आई डोंट नो यार, खुदा का खौफ करें, खुदा तो आपके नजदीक मौजूद नहीं कि खुदा का खौफ करूं। तारे में कह रहा हूं, मुझे बता दीजिए कौन सा वाला खुदा है। तारे में कह रहा हूं। The comments are wild. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। तो सभी देखने वालों का वेलकम है मेरे शो में, जिसका नाम है लो सामो। एक और शख्स मैदान में कूद पड़ा और इसके कूदने का मकसद क्या था? वो शख्स है आपका मशहूर मारूफ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एंड इस वक्त जब कादियानियों को मुंह की खानी पड़ रही है और उनको हर तरफ से मार पड़ रही है और मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की झूठी नबूवत का दिफा नहीं कर सक रहे, एंड इस वक्त मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर ने उनकी हिमायत कर दी। कीजिएगा, ये ठीक नहीं हो रहा सर, आप गलत कर रहे हैं सर। कि भाई हम लोग जलील हो रहे हैं डिबेट्स में, कादियानी जो हैं वो हमें जो वो कॉर्नर करके हमें फंसा के हमसे जवाब लेना चाह रहे हैं और हम जवाब नहीं दे पा रहे। ये मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर का मौकफ है। आपको उनके गले की वो हड्डी भरी हुई है, चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह, शिवली रसूलुल्लाह, अब कलबाजियां खा रहे हैं वो, और वो कह रहे हैं कि ये हम कलमाते कुफर मानते हैं, लेकिन अगर कोई बोलेगा तो फिर हम उससे पूछेंगे कि वो किस नियत से कह रहे हैं। तमाम के तमाम इस किस्म के कलिमा, चिश्ती रसूलुल्लाह, अशरफ अली रसूलुल्लाह, शिबली शिबली, जिसको भी ये ख्वाब या कश्फ या इस किस्म के ख्यालात आए, ये आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के दिफा में। हम नहीं कर सकते, हम इन्हें डिसोन कर रहे हैं, हम कह रहे हैं ये कुफरिया कलिमात हैं, लेकिन जो ये कलिमात कहेगा हम उससे पूछेंगे क्या तुम अशरफ अली थानवी को नबी मानते हो। क्या बोलू मैं इस पे, क्या बोलू क्या मैं इस पे, मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। वो कादियानी उन्हें जो है वो फिर पकड़ रहे हैं इस बात के ऊपर, अल्लाह के बंदो क्यों पूछेंगे, कुफर की कोई तावील नहीं होती, ज़हन में रखिएगा बिल्कुल। और ये मैं आपको आपके बाबे का फतवा देने लगा हूं, अभी मुफ्ती मुनीब साहब ने ताजा फतवा निकाला है कि चिश्ती रसूलुल्लाह कुफर है और कोई तावील नहीं होगी, और उन्होंने कोट किया फतवा रज़विया से आमद बरेलवी साहब को कि अगर कोई कहता है ना अना रसूलुल्लाह तो इसकी तावील भी कबूल की जाएगी कि रसूल से मुराद मैं कोई अपने आप को पोस्टमैन के तौर पर ले रहा हूँ या मैं पैगंबर के एतबार से ले रहा हूँ, वो उसे उसी तरीके से माना जाएगा कि नबी और रसूल होने क्लेम कर रहा है जो शरीयत की टर्म है, तो कुफर खुले कुफर की कोई तावील नहीं होगी। इस तरीके से उनके साथ कोई एक और भी कोई मौलाना था, पता नहीं देवबंदी था। अब ये लोग फिर जाके जलील होते हैं इस तरह के मुलाजरों में। अल्लाह के बंदो सीधा सीधा बाबों से दस्तबरदार हो यार, जान छुड़ाओ, ये मरीज बाबे आपने अपने साथ लगाए हुए वायरस, इस्लाम को भी चाट गए हैं, इस्लाम की जड़ें उन्होंने खोखली कर दी है, शिर्क इन लोगों ने फैलाया, खत्म नबूवत पटाके इन लोगों ने मारे, ठीक है, और आप लोगों को इंतकाम नहीं जा रहा कि जी हमारे इस्लाम है। इस्लाम कहाँ से यार, कोई 100 साल पुराना है, कोई 200 साल पुराना है, कोई 800 साल पुराना है, वो इस्लाम तो हमारे रसूलुल्लाह है, अहलुल बैत है, सहाबा है, उसके बाद सिका ताबईन है, सारे ताबईन भी नहीं, और सिका और सदूक तबा ताबईन है, मुहद्दिसीन है, ये जो बाद वाले लोग हैं पुराने कहां से हो गए, 800 साल बाद तो हम भी पुराने हो चुके होंगे, तो क्या हम हुज्जत माने जाएंगे? हुज्जत कुरान और सुन्नत, इजमा साहब और अहले बैत है। ये मिर्जा मोहम्मद अली मिर्जा जो है वो ठीक कह रहा है या गलत कह रहा है, और क्या इस बात से ये साबित नहीं होता कि कादियानियों की हिमायत करने वाला, जो बड़े अरसे से कादियानियों की हिमायत कर रहा है मिर्जा इंजीनियर जो है, वो काफी अरसे से ऐसी स्टेटमेंट्स दे रहा है जिससे लगता है कि उसके दिल में कादियानियों के लिए बहुत ज्यादा नरमी और नरम। यही नहीं, अभी और सुनिए, कादियानियों के फ्रंट मैन जिन्होंने जेहलम से कादियान का दिफा करने की ठान रखी है, कभी वैसा वजून के चमका रहे हैं और कभी अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हैं। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। लेकिन इस आदमी को क्या इस चीज़ से लगे, इसको एक ही चीज है कि किसी तरह से कादियानी बच जाए। साले तू की आप समझदारी देखे, कहते हैं कि जी सब ये बातें करके कादियानियों को सपोर्ट कर रहे हैं, और मैं खत्मे नबूवत को मजबूत कर रहा हूं उसके लिए तुम्हारे बाबे भी बल्ली चढ़ देने, चढ़ जा, हमने खत्मे नबूवत का मुकदमा लड़ रहा है। आज देखें 2-3 दिन पहले भी मुनाज़रा हुआ है, वो कादियानी वही बार बार लाके पेश कर रहे हैं चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह, इनको हाथ पांव पड़े हुए, कहते हैं कलिमात तो कुफ्र है, लेकिन अगर कोई कह ले तो हम उसे पूछेंगे तुम नबी मान के चिश्ती रसूलुल्लाह कह रहे हो या बगैर नबी मान के, और अगर वो नबी मान के कह रहा होगा तो काफिर होगा, और बगैर नबी मान के तो हम कहेंगे हराम फेल है, तौबा करो। यानी जिस बात की तवील भी मुमकिन नहीं है उसकी भी है, क्योंकि बड़े बाबों को बचाना है, और तुम्हारे आला हज़रत लिखा है कि तवील नहीं होगी अगर कोई शख्स रसूलुल्लाह कहता है अपने आप को, लेकिन ब्लंडर हो गया उसने, चिश्ती रसूलुल्लाह की किताब की तारीफ कर गया, एक टिकट दो मजे करते हैं। इंजीनियर गैरत कर, गैरत अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूं तुझे, देख कितनी किताबें बदल गई ने, वो तो मैं 10 तक कोई नहीं बदलियां, 100 साल पहले आला हज़रत भी दिफा करके गए, फिर मेरे लिए साहब भी मार्फत की बात क्या के गए, और अशरफ थानवी साहब ने भी दिफा किया, मैंने सारी किताबों के हवाले आपको दे दिए, फतावा रज़विया, तहकीकुल हक और सुन्नतुल जलिया फिल चिश्तियतिल अलिया, और सबसे बढ़कर 2009-10 के मुनाजरे वीडियोस मौजूद हैं, इन्होंने चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा किया है। शिबली बोले इस तरह पढ़, ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह, और खत्मे नबूवत के डाको शिबली को रसूल बनाने वालों, शिबली ने जितनी बातें की हालत और बस्ती में की, खबरदार जी रहा हर किसी से मुगल सूफिया के बारे में जबान न खोलना, तुम्हारे काबिल कह रहे हैं न खोलना।
ना तुम बकी जा रहे हो, खबरदार जीनहार हर किसी से मुगल सूफिया के बारे में जबान ना खोल ना, तुम बकी जा रहे हो, तुम्हारे कामिर कह रहे हैं ना खोल ना, तुम बकी जा रहे हो। खाजा ने क्या फरमाया, सुनो कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के कमीने गुलामों में से एक हूँ, कमीने गुलामों में से एक हूँ, कमीने गुलामों में से एक हूँ। ऐसे फ्रॉड जगह किताबें बड़ी बदलिया, और अगर आज जान छुड़ानी है तो साथ ये फतवा दो, जिन्होंने किताबें प्रिंट की, जिन्होंने तर्जमे किए, जिन्होंने इसकी कमाइयां खाई, ये सब हराम के मुर्तकिब हुए, बल्कि कुफर के, क्योंकि सपोर्ट किया ना। Eventually. सिर्फ कादियानी दज्जाल को दज्जाल कहना काफी नहीं है, जब तक चिश्ती दज्जाल, थानवी दज्जाल, इनको आप बुरा नहीं कहोगे ना, उस वक्त तक हम आपकी खत्म नबूवत के अकीदे के ऊपर शक करेंगे। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद मजा आया।